अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, लाइव अट्रैक्शंस चैनल के तरफ सभी व्यूअर्स को मैं वेलकम करती हूँ। अब चलेगी कराची में इलेक्ट्रिक बस, मुल्क का सबसे पहला इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट, जिसका इफ्तिताह सिंध के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने किया है। ये प्रोजेक्ट अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ शुरू किया गया है। फिलहाल जो बस के रूट्स हैं वो टावर से लेकर सौराब गोट तक हैं। व्यूअर्स, इस बस का सबसे कम फेयर 10 रुपये है। ये प्रोजेक्ट 10 बस स्टॉप से शुरू किया जाएगा, जिसमें कैपेसिटी होगी 37 सीट्स की। सफायर ग्रुप ऑफ कंपनीज ने सिंध गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इन इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह किया है। अभी ये बस ट्रायल बेसिस पे टावर से लेकर एमए जिन्ना रोड और शाहराए पाकिस्तान से लेकर सौराब गोट तक चलाई जाएंगी और इस बस को सीट बाय सीट चलाया जाएगा। व्यूअर्स, अभी तक इन बसेस की तादाद कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी बसेस चलाई गई हैं, लेकिन इन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि 2021 के एंड तक इंशाल्लाह 100 इलेक्ट्रिक बसेस चला दी जाएंगी, जिसमें मंथली इजाफा होता रहेगा। ये बसेस इलेक्ट्रॉनिक बसेस होने की वजह से पॉल्यूशन में भी कमी लाएंगी। व्यूअर्स, ये एक बहुत अच्छी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, जिससे कराची की ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा बेहतरी लाई जा सकती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कराची की आबादी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम होने के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। व्यूअर्स, वैसे तो ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन इनको चाहिए कि फ्यूचर में इस तरह की मज़ीद बसेस का इजाफा करते रहें और मज़ीद नए रूट्स पर नई बसेस चलाई जाएँ। कराची के वो शहरी जो बस में सफ़र करने को प्रेफर करते हैं, उनके लिए आसानियां पैदा हो सकें। आई होप आज की इस वीडियो में जो न्यूज़ मैंने आपको दी है वो आप सबके लिए खुशाइन साबित होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।